अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां अखंड भारत के शिल्पीकार भारत रत्न और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अयोध्या जनपद के विकास खंड बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा शेरपुर खफरेला स्थान पर बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान सिराथू विधानसभा सीट से विधायक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की पुत्री डॉक्टर पल्लवी पटेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंची, जहां पर उनका स्वागत मंच पर मंचासीन पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत ग्राम सभा के प्रधान ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सोनेलाल पटेल अमर रहे के नारे लगाकर विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए शुरू की गई। पार्टी के वरिष्ठ वक्ताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और विचारों पर प्रकाश डाला। आखिरकार में अपने संबोधन के दौरान विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक समानता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होता जा रहा है, सरकार शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं करती। पल्लवी पटेल ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा, हम जातिवादी जनगणना करवाने की मांग करते हैं तो सरकार इस पर पहल क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, यदि जातिवादी जनगणना करा ली जाए तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। पल्लवी पटेल ने कहा, मुद्दा मंदिर और मस्जिद का नहीं, मुद्दा समाज में गरीबी, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक उत्थान और कल्याण कैसे हो, इसको लेकर हमें मौजूद सरकार से अपना हक छीनना पड़ेगा। तो सबसे पहले बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये निर्धारित हो जाना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग का ये दायित्व है कि वो समाज में फैली हुई हर कुरीति, समाज की दशा और दिशा को तर्क के साथ समझ करके, बेझिझक निडर होकर के उस सत्य को आंख में डाल करके कहने का साहस जुटाने का काम करे कि सत्य को आप कहने पर जेल में फेंक दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विचारों को इकट्ठा करके एक महाग्रंथ संविधान हमको दिया। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को इकट्ठा कर दिया और दूसरी आजादी के नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने उमराव उत्तम कनौजिया गंगवार वर्मा चौधरी जाने कहां कहां सिंह पटेल में सबको बिखरे हुए इस समाज को पटेल नामक एक माला में बांध करके आपकी सामाजिक हैसियत बनाने का काम कर दिया। जिस पार्टी का नेतृत्व मैं कर रही हूँ उसकी नींव ही सड़क से शुरू हुई और समाज के और लोगों के जो विचारधारा है, जो परेशानियाँ है, उसका नेतृत्व करती हूँ। और अपना दल लगातार सड़क से सदन तक जब जब मौका मिला है मुद्दों को उठाया है। आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से इस बार मुझे मौका मिला है। तो जातिवार जनगणना को लेकर के 2020 में मैंने 2000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और इस बार पुनः मैं इस मुद्दे को लेकर के घर घर जाने का काम करूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ करके उनकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम करूँगी। वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक लिमिट है, एक्सट्रीम लिमिट आ चुकी है और ऐसे में हमसे ज़्यादा जो खुली आंखों से अगर कोई देख रहा है तो जनता नहीं। हर मुद्दे में वो सरकार का आंकलन कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मेडिकल इशूज़ हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो हर चीज़ पर सरकार का एक इवेल्युएशन कर रही है। और निस्संदेह 2024 चूँकि बहुत करीब है, ऐसे में आपको अंदर और जो जनता का सहयोग और समर्थन जिसकी तरफ रहेगा वो देखने को मिलेगा।